नमस्कार स्टूडेंट, मैं अजय देवांगन सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ टीईटी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते उसको स्थगित कर दिया गया और उम्मीद जताई जा रही है कि वो मार्च अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होना है। तो हम उसी को लेकर जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और ये ऑनलाइन क्लासेस जो रहेगी वो हमारी दोनों ग्रेड के लिए, चाहे वर्ग 2 की बात करो और वर्ग 3 की बात करो, है ना, प्राइमरी बात करो चाहे अपर प्राइमरी की बात करो, इनकी जो क्लासेस है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ डेमो क्लास आपको पेडागोजी की मिल गई होगी। आज जो मैं इसमें कराऊंगा वो है मैथ्स की क्लासेस। मैथ्स की क्लासेस की भी डेमो अभी आज आपको मिल जाएगी, पेडागोजी की ऑलरेडी मिल गई होगी। आगे के जो और विषय हैं, हिंदी हो गई, इन्वायरमेंट हो गई, अगर हम बात करेंगे वर्ग 2 लेवल की तो उसमें साइंस की हो गई, आर्ट्स की हो गई, है ना, उनकी मैथ्स हो गई, उनकी भी धीरे धीरे जो है वो डेमो क्लासेस जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी। अगर आप इस यूट्यूब के माध्यम से जो आपको डेमो क्लास मिलेगी उससे आप जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आप जो है इस दिए गए नीचे नंबर में जो चल रहा होगा उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारे ऐप के माध्यम से आप जो है अपना छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा TET की क्लास जो है आप जारी कर सकते हैं। उनकी जो फीस जो है वो बहुत ही मिनिमम है, 1500 रुपये पूरी कंप्लीट कोर्स की जो फीस है, पूरी कंप्लीट कोर्स की फीस जो है वो 1500 रुपये है और ये जो कोर्स है वो आपके एग्ज़ाम होते तक जो है ऐप पर रहेगी, ठीक है। तो ये भी यूट्यूब के माध्यम से जो आप देख पा रहे हैं वो एक सिर्फ और सिर्फ डेमो क्लास है। अगर आपको इसमें ज्वाइन करना है तो आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको ऐप के माध्यम से आपको जो है स्टडी मटेरियल के साथ साथ ये वीडियो जो है वो आपको वहीं प्रोवाइड होगी और पूरी जो क्लास है ये तब तक वैलिडिटी रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक। और फीस ओनली 1500 पूरे कोर्स की है, मंथली नहीं है, 1500 पूरे कंप्लीट कोर्स की है एक ग्रेड की। अगर आप वर्ग 2 का करते हैं तो भी 1500 है, अगर आप वर्ग 3 का करते हैं तो भी 1500 है, लेकिन आप दोनों कंबाइन करते हैं तो इनकी जो फीस है वो 2500 है ना। 1500 जो है वो आपके वर्ग 3 की है, वर्ग 2 के भी करेंगे चाहे आप आर्ट्स हो चाहे साइंस को, वो भी 1500 है, लेकिन अगर कोई बच्चा जो है दोनों कंबाइन करना चाहते हैं वर्ग 2 और वर्ग 3, इनकी जो फीस है वो है 2500 रुपये, ठीक है। और नीचे दिए गए नंबर पे आप और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उससे आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज जो है हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स की क्लासेस, है ना, ये जो है डेमो क्लास रहेगी। इसमें देखो जब आप छत्तीसगढ़ TET के बारे में बात करेंगे, जब इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही सरल क्वेश्चंस आते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग जो है इसको भी नहीं बना पाते। कारण यही है कि उनका जो बेसिक है वो बहुत ही जो है बहुत बहुत ही बोल सकते हैं हम इसको, बहुत ही कम, तो उसको हम धीरे 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 आगे चलते जाएंगे और बिल्कुल बढ़िया से हम उसको हाई लेवल तक जाएंगे और आराम से फिर क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है। 75-90 नंबर हमको लाना रहता है, 90 नंबर अगर आप जनरल वाले हैं और अगर कोई कैटेगरी वाले हैं तो आपको 75 नंबर लाना होता है, ठीक है। हमारे सेंटर्स के द्वारा पिछले 4 सालों से हम कंप्लीट छत्तीसगढ़ TET की क्लासेस और इवन पिछले बार जो है हम छत्तीसगढ़ भर्ती जो परीक्षा हुआ था, शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें भी हमने कोर्स कंप्लीट करवाए थे और लगभग 12 से 13 लोग जो हैं, क्योंकि अभी अब लिस्ट आनी शुरू हो गई है, कुछ की बची हुई है कुछ की आ गई है, तो अभी 12-13 लोगों का जो है सिलेक्शन उसमें छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुआ था। तो एक अनुभव भी है क्लास, हमारे क्लास के फैकल्टियों के द्वारा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। बहुत आराम आराम से देखेंगे, है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगा और जो चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आएगी उनके लिए अलग से विशेष डाउट क्लास भी रखेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम देखते हैं संख्याएं, सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं वो देखते हैं हम संख्याएं, नंबर्स। सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे हम नंबर सिस्टम में वो देखते हैं नंबर्स, और नंबर्स के अंतर्गत पहली संख्या जो देखते हैं वो देखते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। क्या देखते हैं? प्राकृत संख्या। जिनका वर्ग 2 है, जिनका वर्ग 2 है वो भी आप इस मैथ्स को देख सकते हैं, उससे जो है आपका क्या होगा, आपकी मैथ्स जो है वो अच्छी होगी। और चूँकि वर्ग 2 की जो मैथ्स है अलग लेवल की है, वो हाई लेवल की है, उसकी भी क्लासेस, उसकी भी डेमो क्लास जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, बट अगर आपका वर्ग 2 है उसको वो भी इसको देखिए, ठीक है। चलिए तो प्राकृत संख्या की बात करेंगे, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसी को प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं,
प्राकृतिक संख्या भी प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या जो है डिनोट करते हैं हम, देख यहाँ से स्टार्ट हो रही किससे, एन से, तो प्राकृतिक संख्या को डिनोट करते हैं हम एन से। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती है जो एक से प्रारंभ होती है और कंटिन्यू जो है ये अनंत तक चलती है। मतलब प्राकृतिक संख्या में क्या आ जाएगी, एक से प्रारंभ होती है और ये कंटिन्यू जो है वो कहाँ तक चलती है, अनंत तक चलती है। वे सभी संख्याएं जो है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मेरे पता है कि ये चीज़ें आपको पता है, है ना, आपको जो है ये चीज़ें, बाकी चीज़ें जो मैं आपको ये सब करा रहा हूँ ये आपको पता है, बट आगे जो क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो एग्जाम में आते हैं। खासकर आप देखेंगे परिमेय और अपरिमेय वाली जो संख्या है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पाई, 22/7, रूट 2, है ना, वो सभी क्वेश्चन जो हम इसी में आगे में देखेंगे। और क्वेश्चन तो बनते हैं, आप अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपका जो पहला टॉप सेकंड नंबर का जो है ना, अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो आपको पता होगा सेकंड यूनिट में जो है यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए प्राकृतिक संख्या वे संख्या कहलाती है जो जो है काउंट करेंगे और हम उसको एक से लेके कहाँ तक लेके चलेंगे, अनंत तक ले जा सकेंगे। इसकी जो खोज की बात करेंगे, इसकी जो खोज किया था पाइनोस नामक एक गणितज्ञ ने किया था। पाइनोस किसने किया था दोस्तों, पाइनोस नामक एक गणितज्ञ ने किया था। और उन्होंने जो है इसका जो काम है, इन्होंने ये बोला कि वे संख्याएं, इन्होंने क्या बोला था, वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं, वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं, वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं, उसको क्या बोला उन्होंने, उन्होंने इसको प्राकृतिक संख्या या इसको नेचुरल नंबर कहा, ठीक है। तो ध्यान से इस बात को ध्यान रखना कि एक से स्टार्ट होनी चाहिए, ध्यान रखना मैंने कहाँ से स्टार्ट बोला, एक से स्टार्ट होनी चाहिए और ये जो है अनंत तक की जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या इसको कहेंगे, ठीक है। आते हैं अगली संख्या की ओर पे, वो है दूसरा नंबर पे, वो आप देखेंगे वो होगा पूर्ण संख्या। क्या आएगा दोस्तों, पूर्ण संख्या, दूसरा नंबर की बात करेंगे वो है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर। और इसको जो डोनेट करते हैं हम करते हैं डब्लू से, इसको हम डोनेट करते हैं किससे, डब्लू से। देखिए होल का डब्लू, ये वाला जो होल है इसका जो है डब्लू, ये जो है आपका क्या से नोट करते हैं हम डब्लू से। देखिए पूर्ण संख्या, ध्यान दीजिए पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जिसमें हम प्राकृत संख्या के साथ साथ अगर इसमें जीरो ऐड हो जाए, प्राकृत संख्या में अगर जीरो ऐड हो जाता है तो वे संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राकृत संख्या में अगर जीरो ऐड हो जाती है वह संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। मतलब आप इसमें देख सकेंगे कि जीरो, मतलब इसमें डब्लू इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, ये इन्फिनिटी अनंत तक की जो संख्याएं होती है वो आपका पूर्ण संख्या कहलाएगी। समझ रहे हैं ना, जीरो से, यहाँ पे ध्यान रखना ये जो स्टार्ट हो रही है पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट हो रही है, जीरो से। और प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट हो रही है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक से। तो वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। ये चीज़ें जो आप कहीं ना कहीं पहले से जानते थे, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे के कुछ और संख्याएं देखते हैं, तीसरे नंबर के जो संख्या देखते हैं, अभी तक हमने दो संख्याएं देख लिया, पहला संख्या हमने देखा प्राकृत संख्या और दूसरा नंबर के जो संख्या हमने देखा वो देखा पूर्ण संख्या। तीसरा संख्या आइए पूर्णांक, तीसरा आइए पूर्णांक इंटीजर, तीसरा आइए पूर्णांक संख्या बोलो इंटीजर, ठीक है। तीसरी संख्या हम देखेंगे इंटीजर। देखें इंटीजर को डिनोट करते ध्यान रखना, मैंने जैसे बोला था कि प्राकृतिक संख्या को डिनोट किए थे एन से, नेचुरल नंबर से, उसके बाद हमने पूर्ण संख्या को, होल नंबर को हमने डिनोट किया था डब्लू से। तो इंटीजर को, पूर्णांक संख्या को डिनोट करना चाहिए आई से, लेकिन आई को जब डिनोट करने गया गया, जब आई को पेटेंट करने के लिए गया गया, पेटेंट करना होता है आप जानते हैं, कोई चीज़ जो है कोई बनाता है ना, या सर्व अधिकार उस पर रखता है तो उसको पेटेंट करना होता है। तो पेटेंट करने जब आई को गया, जो भी वैज्ञानिक इन्होंने जिसने खोज किया था, तो उन्होंने ये पाया, उन्होंने पेटेंट करने वाले ने ये बोला कि आई ऑलरेडी पेटेंट है। तो यहाँ से इंटीजर से आई वो पेटेंट नहीं करा पाए, क्योंकि आई जो है ऑलरेडी जो है वो इमेजिनरी नंबर जो है वो क्या है, पेटेंट है। इस कारण जो है इनके जो खोज किया जिन्होंने, जोहलिन नामक, किसने खोज किया, जोहलिन नामक एक जर्मन गणितज्ञ है, जोहलिन नामक जर्मन गणितज्ञ,
जोहलिन नामक जर्मन गणितज्ञ, इन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आई को आप पेटेंट नहीं कर सकते, तो आप इसको पूर्णांक संख्या को किससे डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे जी, जेड से डिनोट करेंगे। और जेड कौन सा वाला, कैपिटल वाला जेड, ध्यान रखना जेड कौन सा वाला, कैपिटल वाला। स्मॉल जेड वाला, जेड वाला जब आएगा तो आगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्मॉल जेड इसमें जो है कौन सा, कैपिटल जेड, कौन सा, कैपिटल जेड। अब बात आती है पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, तो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत वे संख्याएं आती है जिसमें निगेटिव संख्या भी रहेगी और पॉजिटिव संख्या भी रहेगी और साथ साथ जीरो भी रहेगी। बात समझ में आया, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में क्या होता था, एक से लेकर अनंत तक ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव। पूर्णांक संख्या में क्या होता था, जीरो से होके अनंत तक जाता था, उसमें भी आप देखेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन अगर हम पूर्णांक संख्या की बात करेंगे, इसके पहले हमने पूर्ण संख्या देखा था, पूर्ण संख्या में होता था क्या, पूर्ण में जीरो से लेकर अनंत तक होता था। लेकिन अगर हम पूर्णांक संख्या की बात करेंगे तो पूर्णांक संख्या में निगेटिव भी आ जाता है और पॉजिटिव भी आ जाता है और जीरो भी आ जाता है। मतलब आप देख पाएंगे अगर हम बात करेंगे यहाँ से, माइनस फोर भी आएगा, माइनस थ्री भी आएगा, माइनस टू भी आएगा, माइनस वन भी आएगा, जीरो भी आएगा, वन भी आएगा, टू भी आएगा, थ्री भी आएगा, फोर भी आएगा, इस तरीके से चलते जाएगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे निगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और जीरो भी आ रहे हैं, ठीक है। तीन चीज़ें हमने देख लिया, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये चीज़ें आपको पहले ही पता है, ठीक है, अच्छी बातें पता है। जिनको नहीं पता है ध्यान रखिए इस बात का कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या एक से लेकर अनंत तक होती है, दूसरा मैंने पूर्ण संख्या बताया वो जीरो से लेकर अनंत तक होती है, सभी के सभी दोनों के दोनों पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम इंटीजर की बात करेंगे, पूर्णांक की बात करेंगे, तो ये निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव आते हैं। मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब अगर हम बात करेंगे इसमें, अगर हम इसमें कुछ बात करेंगे तो अगर आपसे पूछ लें माइनस तीन क्या है, अगर आपसे कोई पूछ लें माइनस तीन क्या है, तो इसको आप क्या बोलोगे, माइनस तीन, देखो माइनस तीन तो है अप्राकृत संख्या, हो नहीं सकता। अब आंसर आप देते जाइए, जो भी आप देख रहे हैं आप आंसर देते जाइए, है ना, कमेंट बॉक्स में। माइनस तीन, माइनस तीन क्या होगा, तो माइनस तीन प्राकृत संख्या तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्राकृत संख्या बोलता है एक से लेकर अनंत तक। माइनस तीन पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है वो जीरो से लेके होता है, पॉजिटिव ही होता है। लेकिन माइनस तीन है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या। मतलब आप देख पा रहे होंगे, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोला जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा, अगर आपको कोई पूछे, क्या पूछे, कि ये जो जेड है इसमें कौन कौन संख्या शामिल होती है, तो इसमें जो है शामिल होता है आपका नेचुरल नंबर, इसमें आपका होता है होल नंबर, और इसमें शामिल होता है जीरो। अब मतलब जीरो तो इसमें शामिल ही होता है, होल नंबर में आपका जीरो ही आ जाता है, इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर से क्या हो गया कि इसमें जो है नेचुरल नंबर में एक से हो गया, होल नंबर बोलने से जीरो से हो गया, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट होल नंबर बोल सकते हैं, तो होल नंबर और साथ साथ जो निगेटिव नंबर है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। चलो अगर आपसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछ दे माइनस तीन क्या है, तो आप सीधा क्या बोलोगे, ये पूर्णांक है। अगर आपसे कोई बोल दे छः क्या है, तो छः भाई, छः आपका नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, छः नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले वर्गमूल 16 क्या है, वर्गमूल 16 क्या है, चले कमेंट करके आप आंसर देते जाइए, वर्गमूल 16 क्या है, वर्गमूल 16 क्या हो सकता है, वर्गमूल 16 जल्दी से आंसर देते जाइए कि वर्गमूल 16 जो है वो क्या हो सकता है, क्या वो प्राकृत संख्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, कि क्या वो पूर्ण संख्या होगा, होल नंबर होगा, कि क्या वो पूर्णांक संख्या होगा, इंटीजर होगा, क्या होगा वर्गमूल 16। बहुत से लोगों का आंसर आ सकता है कि सर ये 16 जो है वो नेचुरल नंबर भी है, वर्गमूल 16 जो है वो होल नंबर भी है, प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन जी नहीं, क्या होना चाहिए, आपको पता होगा वर्गमूल 16 की अगर हम बात करेंगे तो वर्गमूल 16 का मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 नहीं होता, वर्गमूल 16 का मतलब होता है प्लस माइनस 4। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल 16 का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस 4, मतलब 4 को प्लस 4 गुना प्लस 4 करेंगे तो भी आपको 16 आएगा और माइनस 4 गुना माइनस 4 करेंगे तो भी 16 आएगा। इस कारण चूंकि सिर्फ प्लस बस नहीं बोलना है, प्लस बोलने से आप ये बोल रहे हो कि आपने माइनस को नहीं बोल रहे हैं, प्लस बोलने से आप ये बोल रहे हो कि आप माइनस को नहीं बोल रहे हो,
ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आ जाता है और हमको पता है जब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आता है वो नंबर क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। तो अगर कोई आपसे पूछ ले वर्गमूल 16, वर्गमूल 9, वर्गमूल 25 ये कैसी संख्या है, तो आप सीधा सीधा बोलना कि वो कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीजें लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप जो है आपको बताना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, आपको कमेंट करके इसका जो है आंसर आपको फटाफट आपको आंसर बताना है। ठीक है, यदि ए व बी दो प्राकृत संख्या हो, यदि ए व बी दो प्राकृत संख्या हो तो पहला क्या ए प्लस बी भी प्राकृत संख्या होगी, क्या ए प्लस बी भी प्राकृत संख्या होगी, आंसर बताइए यस और नो में भी आंसर बताइए, क्या a प्लस बी भी प्राकृत संख्या होगी। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से दीजिए कि यदि a और b दो प्राकृत संख्या है तो क्या a प्लस बी भी कोई प्राकृत संख्या होगी, बताइए यस या नो में आंसर दीजिए, कमेंट करके आप आंसर दीजिए कि क्या ये प्राकृत संख्या होगी या नहीं होगी। देखिए ये प्राकृत संख्या बिल्कुल होगी, ये प्राकृत संख्या बिल्कुल होगी। कैसे होगी, उदाहरण आप दीजिए, ए और बी कोई दो प्राकृत संख्या ले सकते हैं, जैसे हम प्राकृत संख्या ले लेते हैं ए एक 3 ले लेते हैं और दूसरा प्राकृत संख्या 6 ले लेते हैं, 3 और 6 जब आप ऐड करोगे तो 9 आएगा, तो 9 एक खुद प्राकृत संख्या होगी। तो पहला वाला लाइन बिल्कुल सही है यस। ठीक है, दूसरा लाइन लिखते हैं, इसका आप आंसर जो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या ए माइनस बी भी प्राकृत संख्या होगी, आप आंसर देते जाइए, आप इसका आंसर देते जाइए कि क्या a माइनस बी भी प्राकृत संख्या होगी। सोचिए, उदाहरण सोचिए आप और सोच सोच के आप इसका आंसर दीजिए कि क्या इसमें आंसर आएगा। सोचिए a और b अगर दो प्राकृत संख्या है तो क्या a माइनस बी भी प्राकृत संख्या होगी, सोचिए। अब अधिकतर लोगों का आंसर जो है वो यस आ रहा होगा, लेकिन इसमें आंसर आएगा वो आएगा नो, इसमें आंसर आएगा क्या नो। अब आप चौंक गए होंगे, कैसे नो बोल रहे सर, देखिए आपने अगर ए माना है 9 और आपने अगर बी माना है 6 तो आपने घटाया तो आंसर आया होगा 3। तो आपको लगता है कि सर ठीक तो है, प्राकृत संख्या तो है, लेकिन बाबू आपको पता है अगर आपने ए को 3 रखा और बी को 6 रखा इनकेस, या आपको चलो ठीक है ए को अगर आपने 6 रखा बी को अगर 9 रखा और आप इसको घटाएंगे, अगर आप इसको घटाएंगे तो आपको पता है 6 माइनस 9 करने से माइनस 3 आता है और माइनस 3 प्राकृत संख्या नहीं है, इस कारण इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा 9। क्या आएगा 9। आप बोलेंगे सर उसमें तो आया भी था कुछ और कुछ में नहीं आ रहा है, तो इतना याद रखना कभी भी अगर पूरा सभी कथन सत्य है तभी आप सही मानना, अगर कुछ एक भी गलत हो गया तो आपको पूरा का पूरा गलत करना है। जैसे अगर आप जानते हो कि अगर हमारे क्लासरूम जैसे हमारी साथियों की ऑफलाइन क्लासरूम अगर सबके सब स्वस्थ हैं, मतलब पूरा स्वस्थ है, सबके सब क्लास में जितने भी लोग स्टूडेंट हैं वो सब स्वस्थ हैं, कोई कोविड से ग्रसित नहीं है, तब सब स्वस्थ हैं। कोई एक बंदा भी अगर उसमें कोविड 19 वाला आ गया तो आपको पता है कि पूरा का पूरा माहौल चेंज हो जाता है, पूरे के पूरे लोग जो है संक्रमित हो सकते हैं। तो कोई एक भी अगर मान लीजिए इसमें नहीं हो रहा है, मतलब आपको पूरा को नहीं लेना ही है, आपको याद करो कथन निष्कर्ष वाला सभी कुछ वाला है ना रीजनिंग का, तो इसमें ध्यान रखना कोई एक भी अगर यहाँ पे माइनस आ जा रहा है, जैसे अगर आपने मान लो 5 - 7 भी करते तो -2 आ रहा है, तो कोई भी एक अगर माइनस ऐसा आ जा रहा है किसी और कंडीशन में तो उस केस को आप नहीं ही बोलना। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं बोलना कि सर एक में तो हाँ आ रहा है एक में नहीं आ रहा है तो क्या हम हाँ नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते, एक सही हो रहा है एक गलत हो रहा है तो आपको नहीं ही बोलना। ठीक है, चलिए ये चीजें जो है आप रीजनिंग में सभी कुछ जो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप देखेंगे। ठीक है, तो ये a माइनस बी भी प्राकृत संख्या होगी तो उसमें आपका क्या आंसर आ जाएगा, नहीं में आएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या a गुना बी भी प्राकृत संख्या होगी, आप आंसर फटाफट देते जाइए कमेंट बॉक्स में, क्या a गुना बी भी प्राकृत संख्या होगी, क्या a गुना बी भी प्राकृत संख्या होगी, आप सोच के बताइए
क्या ए गुना भी प्राकृत संख्या होगी? तो जी हाँ, ए गुना भी प्राकृत संख्या होगी। कैसे आप जान सकते हैं? 6 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, तो 6 × 54। आप बड़ा छोटा का अगर लगता है तो 9 × 54 भी ले लीजिए, आपको जो है पॉजिटिव नहीं मिलेगा, तो ये एक प्राकृत संख्या होगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं डी। क्या ए बटे बी भी प्राकृत संख्या होगी? कमेंट करके आंसर बताइए। क्या ए बटे बी भी प्राकृत संख्या होगी? आप पेन कॉपी पकड़िए और इसका आंसर बताइए कि क्या ए बटे बी भी प्राकृत संख्या होगी? क्या ए बटे बी भी प्राकृत संख्या होगी? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नो, नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। अगर आपको लगता है सर 9/3 कर रहे हैं तो ये तो आ रहा है, 9/3 करने से क्या आ गया है, 3 तो आ रहा है, प्राकृत संख्या है। लेकिन इन केस 3/9 कर दो, आप 3/9 कर दो तो 3/9 करने से आपका आंसर आता है 1/3, और 1/3 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि एक के बाद डायरेक्ट अगला प्राकृत संख्या जो आती है वो आती है 2। एक के बाद अगला प्राकृत संख्या जो आती है वो 2, मतलब कोई दशमलव नहीं होना चाहिए, कोई निगेटिव मार्क नहीं होना चाहिए। अब जानते हो निगेटिव नहीं होना चाहिए। प्राकृत संख्या में क्या होता है? कोई दशमलव नहीं होता, कोई माइनस मार्किंग नहीं होता। यहाँ पे आपको 3/9 का मतलब 1/3 दशमलव में आ गया, बटे में आ गया, मतलब ये प्राकृत संख्या नहीं है। और मैंने आपको बोला कि अगर मान लो एक बार भी नहीं आ जाता है, मतलब आपको फाइनली नहीं लेना है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा? 9। एक और ले लेते हैं क्या, और ये दोनों जो सभी चीजें जो ए बी लिख रहे हो क्या है, प्राकृत संख्या है ना। तो क्या 1^b भी प्राकृत संख्या होगी? फटाफट आंसर देते जाइए। क्या 1^b भी प्राकृत संख्या होगी? आंसर दीजिए कि क्या 1^b भी प्राकृत संख्या होगी? सोच के बताइए क्या होगी 1^b। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर आना चाहिए 1^b क्या प्राकृत संख्या होगी? देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा यस, प्राकृत संख्या होगी। कैसे? ए अगर मान लेते हैं 3, बी मान लेते हैं 1, तो 3^1 मतलब ये है 3^3 अगर 4 लेते हैं तो 3×3 = 9, तो 27, 81 प्राकृत संख्या है। अगर आपको लगता है छोटा ले लें 2 और यहाँ ले लें बड़ा, तो 2/3 आप देखेंगे तो 8, मतलब ये आप देख पा रहे होंगे ये एक प्राकृत संख्या है। ठीक है जी, तो ये तो बात हुई किसके से रिलेटेड, ये हुई बात जो है वो प्राकृत संख्या से रिलेटेड बात हुई, किससे रिलेटेड हो गई, प्राकृत संख्या से रिलेटेड हो गई। अब आगे जो हम देखते हैं वो पूर्णांक संख्या से रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे समझिए, बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। छोटी सी चीज है ना, छोटी सी चीज है, इनको जो है ज्यादा एकदम बोलना चाहिए हवा इसको नहीं बनाना है। ठीक है, आराम से इसको पढ़िए, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूर्णांक संख्या की अगर हम बात कर लेंगे, फिर से मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यदि ए व बी दो पूर्णांक हो, इंटीजर हो, तो पहला ए प्लस बी, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या ए प्लस बी भी पूर्णांक संख्या होगी? पूर्णांक होगी तो बताइए, आप कमेंट करके आंसर बताइए कि क्या ये होंगे, ए और बी भी पूर्णांक होंगे। अगर मैंने आपको बताया ना, याद करो, 3 नंबर मैंने आपको बताया, एक आपको मैंने प्राकृत संख्या बताया जो कि 1 से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है, एक मैंने पूर्ण संख्या बताया जो कि 0 से लेकर अनंत तक जाता है, और एक मैंने आपको क्या बताया था, पूर्णांक संख्या बताया जो कि माइनस भी 0 भी और प्लस भी होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा यस। क्या होगा? यस आंसर होगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ए अगर आप लेते हैं 5 और बी को अगर आप मान लीजिए 0 ले लिए, तो 5 + 0 5 होगा। अगर आपको लगता है ए माइनस में लेना है, ए -5 ले लो, बी को लगता है आप 2 लो, तो भी -3 भी देखोगे तो आप पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में निगेटिव आता है। अगर आपको लगता है यहाँ पे आप 10 7 लेना चाहते हैं, और यहाँ पे आपको लगता है प्लस तो करना ही है क्योंकि ए प्लस भी पूछा है, और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे को -3 लेना है ना बी, क्योंकि बी जो है पूर्णांक होना चाहिए, तो बी माइनस में पूर्णांक है, तो 7 ऋण और ये 4 तो भी एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये एक पूर्णांक संख्या है। अगला अगर हम देख लेते हैं, क्या ए माइनस बी भी पूर्णांक होगी? आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते जाइए जल्दी जल्दी, क्या ए माइनस बी भी पूर्णांक होगी? सोच के रखिए, क्या ए माइनस बी भी पूर्णांक होगी? देखिए क्या देख सकते हैं,
इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा हाँ होगा। कैसे? ए अगर मान लेते हैं सात और बी अगर हम मान लेते हैं माइनस दो, तो सात ऋण का घन दो और सात और दो नौ पूर्णांक है। आपको लगता है माइनस सेवन माइनस पाँच ले लेते हैं तो माइनस सेवन माइनस फाइव माइनस ट्वेल्व, पता है ना सबको पता नहीं ये चीज़ें कि अगर चिन्ह समान होती है तो दोनों जुड़ जाती हैं, पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि माइनस प्लस सेवन प्लस फाइव करें, प्लस सेवन माइनस फाइव करें, माइनस सेवन प्लस फाइव करें और माइनस सेवन माइनस फाइव करें, तो चीज़ें जो है आप थोड़ी समझ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़ेगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे दोनों का चिन्ह समान है तो क्या होता है, जुड़ेगा, जुड़ता है। तो सात और पाँच बारह, दोनों का चिन्ह समान है तो सात और पाँच बारह, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे बड़ा कौन है, सात का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस बारह, बड़ा कौन है सात, उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस बारह। ये चीज़ समझ गए आप, अगर दो चिन्ह जो है वो समान होता है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखो दोनों चिन्ह जो है वो असमान है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आपको घटाना पड़ेगा। तो सात में से पाँच घटाएंगे तो आएगा दो, सात बड़ा है उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस दो। यहाँ पे देखेंगे चिन्ह असमान है तो घटेगा, मैंने ही बोला ना चिन्ह समान होगा तभी जुड़ेगा, अगर असमान हो गया तो घटेगा। तो सात में से पाँच गया दो, बड़ा सात है उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस दो, ठीक है। ये छोटी चीज़ें हैं आपको समझनी पड़ेगी, तो आप देख पा रहे होंगे ए माइनस बी आपको क्या मिलने वाला है, पूर्णांक ही मिलने वाले हैं। तीसरा अगर हम इसमें कंडीशन ले लें, क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जी, अगर आप छत्तीसगढ़ टीटी की बात करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको सिलेबस में साफ साफ लिखा है और सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना सही है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए इसमें देखते हैं, क्या ए गुना बी भी पूर्णांक होगी, कमेंट करके आप इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या ए गुना बी भी पूर्णांक होगी, जल्दी जल्दी आंसर इसमें बताते जाइए कि क्या इसके आंसर आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा वो बिल्कुल होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं सात गुना माइनस पाँच लो माइनस पैंतीस ही होगी, मतलब ये होना है। अगला लेते हैं, क्या ए बटे बी भी पूर्णांक होगी, क्या ए बटे बी भी पूर्णांक होगी, इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी दीजिए, क्या ए बटे बी भी पूर्णांक होगी, सोच के बताइए, क्या ए बटे बी भी पूर्णांक होगी, सोच के बताइए, क्या ए बटे बी भी पूर्णांक होगी, सोच के बताइए। देखें इसका सही आंसर आएगा वो आएगा नो, इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा नो, क्यों नो आएगा वो आप देखिए। आप एक संख्या ले लेते हैं पूर्णांक संख्या पाँच, एक संख्या क्या ले लेते हैं पूर्णांक पाँच, और दूसरी पूर्णांक संख्या ले लेते हैं जीरो, दूसरी जो पूर्णांक संख्या ले लेते हैं वो क्या ले लेते हैं जीरो। अगर हम इसमें करेंगे पाँच बटे शून्य करें, पाँच बटे शून्य करें तो भाग दें तो आपको पता है शून्य अनंत ही जाएगा, ये क्या होगा अनंत होगा, देख पा रहे होंगे आप जीरो से पाँच को भाग देंगे तो शून्य, तो यहाँ पे जब जीरो से भाग देंगे पाँच को तो आप देख पा रहे होंगे पाँच से सफल बच ही जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो है बच जा रहा है, समझ पा रहे हैं ना, सेश्वर बच रहा है भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये नो है, बात समझ में आ रहा है ना जी। ए भी पूर्णांक बी भी पूर्णांक, पूर्णांक है ना, जीरो पूर्णांक में ले सकते हैं ना, ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक में आपका माइनस भी आना चाहिए, निगेटिव मार्क निगेटिव नंबर्स भी आना चाहिए, जीरो भी आना चाहिए और पॉजिटिव भी आना चाहिए। तो ये निगेटिव आपने सॉरी जीरो आपने ले लिया, ये यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, अनंत आ रहा है और अनंत तो कोई पूर्णांक है नहीं, अनंत तो कुछ होता भी नहीं है, अनंत कुछ है नहीं है, मैं बता रहा हूँ अनंत से भगवान है, ठीक है, तो नहीं हो सकता। या एक इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं, ये एक पूर्णांक है शून्य, इसकी घात भी एक पूर्णांक, आई एम सॉरी, यहाँ पे आप ले सकते हैं शून्य बटे वाला है, तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, इस कारण यहाँ पे आप क्या लेंगे नो लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये देख लेते हैं, क्या एक ही घात भी, क्या एक ही घात भी पूर्णांक होगी, क्या एक ही घात भी पूर्णांक होगी, सोच के बताइए जरा, सोच के बताइए जरा, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, क्या बताइए इसका आंसर क्या होगा, एक ही घात भी पूर्णांक होगी, एक ही घात भी पूर्णांक होगी, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा नो, क्या आएगा नो। कैसे भाई, ए हम ले लेते हैं पाँच, ए क्या ले लेते हैं पाँच, बी ले लेता हूँ मैं माइनस दो, बी क्या ले लेता हूँ माइनस दो। देखिए मैंने आपको बोला ना, अगर एक भी गलत आ रहा है मतलब पूरा में गलत लेना है, ए अगर हम प्लस लेते हैं, अगर हम ए की जगह पाँच बी की जगह दो लेते हैं तो पाँच ही घात दो मतलब पच्चीस, तो एक पूर्णांक है इसमें तो बिल्कुल बैठ रहा है, लेकिन अगर हम माइनस टू ले लेते हैं
माइनस टू ले लेते हैं, तो आपको पता होगा कि जब भी कोई माइनस होता है घात में तो नीचे जाता है, नीचे चला जाता है, वो व्युत्क्रम हो जाता है, पलट जाता है। अगर माइनस में जो भी चीजें होती है आप समझ लीजिए, ये बात आप थोड़ा समझ लीजिए, अगर कोई भी चीजें माइनस में होती है तो नीचे चली जाती है, तो एक बटे क्या हो जाएगा, ये पच्चीस और एक बटे पच्चीस दोस्तों ये तो बटे में आ गया, ये बटे में आ गया, वो कहाँ है, ये पूर्णांक नहीं होता है। देखो पूर्णांक जो होता है हालांकि नेगेटिव होता है लेकिन कभी वो बटे में नहीं होता है ना, पूरा पूरा ही होता है, पूरा पूरा, समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी है, तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताया दो तीन चीज़ें, वो चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। आगे के भी कुछ और नंबर हम देख लेते हैं, अच्छे अच्छे यहाँ पे नंबर देखेंगे, खासकर आप देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या देखने वाले हैं हम, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम देखने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए क्योंकि ये एग्जाम में आपको बनते ही हैं। मैं इसको दोनों तरफ से इसको कर रहा हूँ, एक से परिमेय और एक तरीके से अपरिमेय, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। परिमेय संख्या ले लेते हैं, एक परिमेय संख्याएं और एक साइड जो ले लेते हैं वो लेते हैं अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सबसे पहली बात तो भाई अगर आपको पूछे, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल RATIONL और इसको बोलते हैं इरेशनल, ठीक है। सबसे पहली बात कि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या इसको डिनोट हम किससे करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, किससे नोट करते हैं दोस्तों, क्यू से, कैपिटल क्यू से नोट करते हैं, ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा। अगर आपसे पूछे अपरिमेय संख्या को किससे डिनोट करते हैं, तो पहली बात इससे कोई डिनोट करते ही नहीं है, कोई इसे करते ही नहीं, मतलब इसका कोई है ही नहीं, अपरिमेय संख्या को डिनोट करने के लिए कोई है ही नहीं, इसको डिनोट करते हैं किससे, क्यू से। इसको किससे नोट करते हैं बोलेगा, इसको किससे नोट करते हैं बोलेगा, तो हरते ही नहीं, लेकिन फिर भी आपसे पूछ ले, फिर भी आपसे पूछ ले कि बोलित दे, ऐसे तो आएगा नहीं, फिर भी अगर आपसे पूछ ले कि अपरिमेय संख्या को किससे नोट करते हैं, तो देखिए क्या होगा। अगर मान लो आपके सामने चार ऑप्शन आएगा, आर प्लस क्यू, आर माइनस क्यू, आर इंटू क्यू, आर बाई क्यू, तो आप इसका सही आंसर आप लगा लेना आर माइनस क्यू। अपरिमेय संख्या को नोट करने का क्या है कि जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं, जितनी भी रियल नंबर है, उनमें से परिमेय संख्या को हटा दो, जितनी भी संख्या है उनमें से परिमेय संख्या को हटा दो, जो बचा वो अपरिमेय संख्या है, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं रियल नंबर वास्तविक संख्याएं उसमें से परिमेय संख्या को हटा दो तो जो बचा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, तो इसको आप डिनोट कर सकते हैं मतलब आर माइनस क्यू से। बात समझ में आया, तो ये चीजें थोड़ी सी चीज थोड़ा समझना, एकदम धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, थोड़ा समझिए, कोई बड़ी चीजें नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखो परिमेय संख्या अपने। और इसमें आपको मैं जो हर साल एग्जाम में आने वाला जो चीज़ है 22/7 होता है, पाई होता है ना, इन सभी क्वेश्चंस वर्गमूल 2 होता है, परिमेय प्रश्न पूछता है, आप जाकर पुराने क्वेश्चंस आप देखिए, पुराने क्वेश्चंस आप देखिए, ऐसा पूछा जा चुका है प्रश्न कि क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है, खासकर पाई को लेके, वर्गमूल 2 के लेके ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या को हम क्या बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। क्या लिखा हुआ है, वे संख्याएं जिनको P बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब बात आई हुई है कि P बटे क्यू, तो P बटे क्यू होना कौन है, तो भाई P बटे क्यू में P जो है, समझ रहे हो ना, P जो है वो होनी चाहिए आपका पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, Q भी जो है वो होनी चाहिए पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और Q जो है क्या नहीं होना चाहिए, Q जो है वो शून्य नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, हम सबको पता है कि P बटे Q के रूप में रिपीट करते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, हम सबको पता है क्या कि P बटे Q के रूप में, बटे के रूप में निरूपित करने वाला संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन ये कंडीशन आपको ऐसे देखना कि P एक उर्दू टाइप का लग रहा है, चाइनीज भाषा टाइप का, ये क्या चीजें लिखे हुए हैं, अब मैं इसको समझा देता हूँ कि P जो है वो होनी चाहिए इसकी जैसे पूर्णांक संख्या के रूप में, पूर्णांक मैंने आपको बताया निगेटिव भी जीरो भी पॉजिटिव भी, क्यू भी जो है वो कैसे होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, लेकिन बस इस एक बात याद रखना, क्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यू जीरो नहीं होनी चाहिए,
उसको हम किसको बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों? परिमेय संख्या बोलेंगे। इसको थोड़ा ध्यान रखना, जैसे इसको हम उदाहरण देते हैं, उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं जैसे 5/11। तो इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखे है ना, बटे ग्रुप में लिखे ना पी बटे क्यू। पी क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। पी बिल्कुल पूर्णांक है। 11 पूर्णांक होनी चाहिए, बिल्कुल पूर्णांक है। जीरो बस नहीं होनी चाहिए, तो जीरो कहाँ है? तो ये 5/11 क्या है? 5/11 परिमेय संख्या है। अगर आपसे बोल दे 2/3, तो जी हाँ 2/3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 जो है पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, पी बटे क्यू के रूप में निरूपित है और बोला गया है कि जीरो नहीं होनी चाहिए, तो जीरो तो है ही नहीं। अगर हमको लगता है निगेटिव रूप में मिले तो 6/-11 क्या ये पूर्णांक है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पी पूर्णांक होनी चाहिए, क्यू भी पूर्णांक होनी चाहिए, तो है, जीरो नहीं होनी चाहिए। बस समझ रहे हैं ना, मतलब पी बटे क्यू के रूप में निरूपित करने वाली संख्या जो है ये होनी चाहिए। वर्गमूल 25 ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। वर्गमूल 25 का मतलब मैंने आपको बताया था प्लस माइनस पाँच। वर्गमूल 25 का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस पाँच भी। प्लस पाँच का मतलब 5/1। भैया आप लिखोगे तो पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं ना, और 1 को भी 5/1 लिख सकते हैं ना दाऊ। तो 5 हमारा क्या है? पी है। क्यू भी क्या है? 1 है। और 1 भी तो आप जानते हो क्या है? पूर्णांक है। और ये भी पूर्णांक है, तो ये ले सकते हैं। -5/1 भी तो लिख सकते हो, क्योंकि -5 भी पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें निगेटिव भी आ सकता है। पूर्णांक पॉजिटिव भी आना चाहिए, निगेटिव भी आना चाहिए, जीरो भी आता है पूर्णांक में, लेकिन परिमेय संख्या में आपको नीचे वाले में क्यू में यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बस ऊपर में चल जाएगा। तो ये देखेंगे 5-5/1, तो ये भी जो है। अगर आपसे कोई बोल दे 1/(√25), आपको कोई बोल दे 1/(√25), तो ये भी बिल्कुल है भाई। क्यों? 1/(√25) का मतलब +5 बोलो या 1/-5 बोलो, क्योंकि नीचे में माइनस चलेगा दोस्त, क्यू में माइनस चलेगा, बस जीरो नहीं चलने वाला। तो ये चीजें जो है वो किस चीज का उदाहरण है जी? ये किस चीज का उदाहरण है? ये जो उदाहरण है वो परिमेय संख्या का उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? परिमेय संख्या का उदाहरण है। इसमें और कुछ चीजें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या चीजें इसमें जो है और हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसमें अपरिमेय संख्या के रूप में अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? जैसे इसमें हमने लिखा कि ये जो है पी बटे क्यू के रूप में निरूपित किया जा सकता है, इसमें अगर हम क्या बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें, ध्यान दीजिए, वे अपरिमेय में क्या लिख सकते हैं? वे संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। सीधी सी बात है, पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे तो परिमेय हो जाएगा ना जी, जो नहीं लिखा जा सकता वही अपरिमेय है। कैसे? आप इसको उदाहरण में आप कैसे ले सकते हैं? ध्यान से देखना। आपने यहाँ पे लिखा है वर्गमूल 25, क्या लिखा है? वर्गमूल 25। तो दोस्त वर्गमूल 25 को जब आप सॉल्व करते हैं तो आएगा 5 या -5। वर्गमूल 2 को आप सॉल्व नहीं कर सकते दोस्त, वर्गमूल 2 को सॉल्व जब नहीं कर सकते और उसको सॉल्व करेंगे तो 1.414 समथिंग आता है, पॉइंट में आ गया ना। और मैंने आपको बोला पॉइंट जो है ना वो काफी संख्या होती है ना, वो पूर्ण संख्या होती है और ना ही पूर्णांक होती है। तो भैया ये जो है वो क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय, जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाए, पॉइंट भी निकले, पूर्ण वर्ग नहीं हो, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? अपरिमेय। वर्गमूल 25 को बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि वर्गमूल 25 मतलब 5 निकल रहा है, वर्गमूल 2 का पॉइंट निकलेगा 1.41। वर्गमूल 3 बोल सकते हो, वर्गमूल 5 बोल सकते हो, वर्गमूल 7 बोल सकते हो, वर्गमूल 12 बोल सकते हो, वर्गमूल 11 बोल सकते हो, वर्गमूल 12 बोल सकते हो। मतलब वे संख्याएं जिनका जब आप वर्गमूल निकालोगे तो पूर्णतः रूप से नहीं निकल सकता, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा समझना इस बात को थोड़ा सा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आते हैं जी, हर बार क्वेश्चन आते हैं, इस कारण मैंने इसको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, समझना इस बात को। इसमें और क्या चीज़ें लिख सकते हैं वो आप देखिए, इसमें हम क्या चीज़ें लिख सकते हैं ध्यान से देखिए, इसमें और क्या बोल सकते हैं हम इसमें कि वे संख्याएं, ध्यान से देखना यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वे संख्याएं जिनका दशमलव विस्तार क्या हो? आवर्ती या शांत हो, आवर्ती या शांत हो, ठीक है। इसमें आप इसको क्या लिख सकते हैं? मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बस इसको देखिए, मैं जस्ट अभी आपको समझा दे रहा हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं, बस इसको आप देखिए, ठीक है।
क्या बोल सकते हैं इसमें, इसको देखिए, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत, क्या अशांत व असमान आवृत्ति का हो, असमान आवृत्ति का हो, असमान आवृत्ति का हो, और इसमें जो है समान आवृत्ति का हो, क्या हो, समान आवृत्ति का हो। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं इसको, थोड़ा समझिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, विस्तार समान आवर्ती का हो या शांत हो। भैया शांत, ये वाला शांत नहीं है, टर्मिनेट वाला शांत है, टर्मिनेट वो साइलेंट वाला शांत नहीं है ना, ये वाला शांत नहीं है, ये वाला साइलेंट वाला शांत नहीं है, है ना, ये जो है टर्मिनेट वाला शांत है, शांत हो। और कैसे, इसका उदाहरण आप देखिए, थोड़ा सा इसका उदाहरण आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, क्या चीजें हैं वो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कैसा है। जैसे जैसे कोई संख्या लीजिए, कोई संख्या है उसको सीधी सी बात है आप उसको भाग दीजिए, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, कोई भी संख्या लो जिसको आप सीधा से भाग दो। ठीक है, जैसे मान लेते इसमें आप देखिए, इसको अगर हम देखेंगे वर्गमूल दो लें, क्या लेते हैं वर्गमूल दो, वर्गमूल दो लेंगे तो ये आपका हो जाता है 1.41425, ये इस तरीके से चलते रहेगा। ठीक है ना, थोड़ा ढूंढ देख लीजिए थोड़ा सा। और एक संख्या हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 6/5, 6/5 पहली संख्या। दूसरी संख्या हम ले लेते हैं क्या, 10/6। देखें जब इसको लें, 6/5 ले रहे हैं, इधर देखिए आप सबके सब यहाँ नीचे देखिए, मेरे मैं चार यहाँ पे रखा हूँ, 6/5 के जब आप भाग देंगे तो 5 से 6 को भाग देंगे तो 5 कम 5 बचा 1, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, 5 × 10 कंप्लीट हो गया 1.2। आगे बढ़ रहा है क्या, ये क्या आगे बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। 1.2 मतलब 1.2 कंप्लीट, दशमलव हुआ लेकिन कंप्लीट रुक गया, जहां रुक गया, जहां रुक गया, बैठ गया, रुक गया, उसको बोलेंगे हम परिमेय संख्या। आगे नहीं बढ़ रहा है ये, 1.2 मतलब 1.2 रुक गया। खुद ही सोचो यार, 1.2 आया, क्या इसको हम 12/10 नहीं लिख सकते भिन्नक रूप में, और 2 × 12 2×10 6/5 मतलब परिमेय संख्या के रूप में निरूपित हो गया ना। मतलब जो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, वो संख्या क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। नीचे समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, देखिए 6/5 लिखे हमने, 6/5 को अगर मैंने इसको किया भाग दिया तो पॉइंट में आया, लेकिन ये रुक गया, पूरा पूरा कट हो गया और आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो परिमेय संख्या है। पहली बात समझ में आया, पहला बात। दूसरा बात, मैंने बोला 10/6, मैंने क्या बोला 10/6 बोला, 10/6 का मतलब है 6 से 10 को भाग दो, 6 कम 6 बचा 4, दशमलव लगाए, शून्य बढ़ाओ, 6 × 36 बचा 4, 6 फिर 0 लगाएंगे, समझ में आ रहा है ना, 6 कम 6 बचा 4, दशमलव लगा 0, 6 × 36 6 × 36 बचा 4, 6 × 36 बचा 4। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिंदगी खत्म हो जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं होगा, ये इस तरीके से चलते जाएगी और चलते कौन सी जाएगी, वही संख्याएं चलती जाएगी, मतलब 6666666666 ही आएगी, आगे आप कितना भी चलते जाओ 66 आएगी। मतलब जिसका विस्तार जो है वो समान आवर्ती का हो, जिसका विस्तार क्या हो, समान आवर्ती का हो, उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या के रूप में बोलेंगे। जिसको क्या बोलेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या के रूप में बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो पहली बात तो ये रुक नहीं रहा है, पहली बात तो अशांत है, ये रुक नहीं रहा है, और दूसरी बात आप ये क्या है कि असमान है, मतलब एक रिपीट नहीं हो रही है इसमें, आप देखो ना, कोई रिपीट नहीं हो रही है, कोई प्रकार का रिपीट नहीं हो रही है, तो क्या ये समान होगा कि क्या ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय होगी जो भी नहीं रही है, और दूसरा ये फिर से रिपीट भी नहीं हो रही। यहाँ देखो 6 बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, जो अगर वो कोई चीज जो है डबल ट्रिपल 4 times रिपीट हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम जो है अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है, तो इतना तक थोड़ा सा बात समझ में आ गया होगा, आगे के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ चीजें और देख लेते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ना, समझ गए होंगे थोड़ा सा चीज। आप जब आपको नोट्स मिलेगा, आप जब टेस्ट दिलाएंगे, है ना, तो आपको पूरी चीज़ें और समझ में आ जाएगी, और जो डाउट होगा वो हम डाउट क्लास करेंगे वैसे, है ना, डाउट क्लास लगभग हफ्ते में एक दिन जो है हमारा डाउट क्लास तो होगा ही होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, यदि
यदि ए व बी दो परिमेय संख्या हो, यदि ए व बी दो परिमेय संख्या हो, वही पहले जैसे वाले क्वेश्चन जैसे हमने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को लेकर जैसे हमने किया था वैसे इसमें भी करते हैं। तो पहला, क्या a प्लस बी भी परिमेय संख्या होगी? क्या a प्लस बी भी परिमेय संख्या होगी? बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्या a प्लस बी भी परिमेय संख्या होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। क्या a प्लस बी भी परिमेय संख्या होगी? तो सीधी सी बात है, a और b आप ले लीजिए। परिमेय संख्या में आपको पता है पांच भी ले सकते हो, छह भी ले सकते हो। पांच बटे एक के रूप में निरूपित कर सकते हैं, छह बटे एक के रूप में निरूपित कर सकते हैं, पांच और छह ग्यारह बटे एक मतलब यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला, क्या ए माइनस बी भी परिमेय संख्या होगी? जल्दी जल्दी इसका आंसर देते जाइए जी, जल्दी से जल्दी इसका आंसर देते जाइए। अगर आप मान लेते हैं ए पांच लेते हैं, बी छह लेते हैं, माइनस करेंगे तो माइनस वन मतलब माइनस वन बाई वन भी तो लिख सकते हैं ना। आपको माइनस होना कोई दिक्कत नहीं है, माइनस होना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है पी बटे क्यू में पी जो है वो पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक को माइनस में भी चलता है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, समझ पा रहे हैं। तीसरा लाइन लिखते हैं, क्या ए गुना बी भी परिमेय संख्या होगी? ये चीजें मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना, जल्दी करिए, बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। आप लोग सभी के सभी आंसर दीजिए जी, सभी के सभी आंसर दीजिए। अगर आप मान लेते हैं इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। क्यों? अगर आप माइनस पाँच लेते हैं, इधर छः लेते हैं, तो माइनस थर्टी हो गया, मतलब माइनस आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। तीस बट माइनस तीस बट एक लिख सकते हैं, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला लेते हैं, क्या ए बटे बी भी परिमेय संख्या होगी? क्या ए बटे बी भी परिमेय संख्या होगी? सबके सब आंसर दीजिए जी, सबके सब आंसर दीजिए। पेन कॉपी थोड़ा चलाना करें, क्योंकि गणित जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। गणित क्या मांगता है? प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि गणित बिना पेन कॉपी के बना लें या ऐसे काम चल जाए, चलो ठीक है, आपका ये वाले पोर्शन जो है बिना पेन कॉपी के बन जाएंगे, लेकिन आगे क्या करोगे, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या ए बटे बी भी परिमेय संख्या होगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए जी। ए और बी अगर परिमेय संख्या है तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? सुनिए, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा नहीं। क्या आएगा? नहीं। जैसे ए ए भी परिमेय होना है, बी भी परिमेय है, ए परिमेय हम ले लेते हैं, क्या क्या ले लेते हैं, कोई भी आप परिमेय संख्या आप ले लेते हैं, जैसे ए की जगह हम क्या ले लेते हैं, पाँच ले लेते हैं, बी की जगह क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, और पाँच बटे शून्य करोगे तो क्या आ जाता है, अनंत आ जा रहा है, और अनंत तो जो भैया कोई इसकी वैल्यू नहीं होती, इसका ना आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, नो ले लेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ पे, नो ले लेंगे, ठीक है। अगला लिखेंगे, क्या एक ही घात बी भी परिमेय संख्या होगी? इसका आंसर जल्दी दीजिए, क्या होगा, क्या एक ही घात बी भी परिमेय संख्या होगी? क्या एक ही घात बी भी परिमेय संख्या होगी? क्या एक ही घात भी परिमेय संख्या होगी? तो जी नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर आप ए की जगह पाँच, बी की जगह एक बटे दो ले सकते हैं, अगर ए की जगह पाँच, बी की जगह एक बटे दो ले सकते हैं, मान लो बी की जगह क्या ले सकते हैं, एक बटे दो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बटे दो लिख सकते हैं ना, क्योंकि पी बटे क्यू में लुपित करने वाली संख्या ही परिमेय होती है, और आपने बी में आपने लिखा कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। और सुनना जरा, किसी के मन में आ रहा होगा कि सर आपने बोला था कि पी बटे क्यू के रूप में निरूपित करते हैं तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, आपने जीरो क्यों ले लिया? तो जी नहीं भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ए जो बात किया वो परिमेय संख्या है, अलग से परिमेय संख्या, मतलब ये पाँच बटे एक है, और बी लिया वो मैं मान लो जीरो लिया हूँ, ये बी अलग परिमेय संख्या, ये अंश है अंश, तब मैंने ए बटे बी किया, ए बटे बी मतलब पाँच बटे जीरो किया। तो आप ये मत समझना कि मैं ये बोल रहा हूँ ये सर आपने कैसे पाँच बटे जीरो ले लिया, और आपने ही बोला था कि पी बटे क्यू के रूप में निरूपित नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अरे भाई ये शून्य अलग परिमेय संख्या, ये अलग परिमेय संख्या, उनको मैंने भाग दिया है, जब इन्होंने बोला है ये बोला भाग करने के लिए तब मैंने भाग किया, क्योंकि लोगों के मन में आता है ये सवाल, समझ रहे हो ना। अच्छा, ये अलग परिमेय संख्या, ये अलग परिमेय संख्या है, तो पाँच की घात एक बटे दो, एक ही घात भी मतलब, और पाँच की घात एक बटे मतलब वर्गमूल पाँच, और आपको पता है दोस्तों वर्गमूल पाँच
का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, वर्गमूल चार का निकलता है दो, वर्गमूल नौ का निकलता है तीन, तब वो परिमेय है, लेकिन ये का तो नहीं निकलता, इसका क्या आएगा नौ। तो इतनी चीजें जो है आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए, छोटी छोटी चीज है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देख लीजिए, इसमें एक चीज देख लीजिए, मैं अब आपको कुछ एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये परिमेय और अपरिमेय, तो कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसको आप आंसर बताइए क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा और आप आंसर देते जाइए। पहला 0.5673456734567 क्या ये परिमेय है कि नहीं, क्या ये परिमेय है कि नहीं, जल्दी बताइए 0.5673456734567 जल्दी बताइए क्या ये परिमेय है कि नहीं। तो देखो दोस्तों 5756734567 देख पा रहे हो, पहली बात तो पॉइंट के रूप में है, और दूसरी चीजें ये है, ये है ना, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं वो समान आवृत्ति हो रही है, मतलब ये जो है एक टाइम के टाइम फिर से रिपीट हो रही है, और मैंने बोला अगर वो रिपीट होती है, अगर वो शांत होती है तो वो क्या है, परिमेय संख्या। याद करो ना यार, मैंने आपको 6/5 का उदाहरण दिया था, और मैंने बोला था कि यहाँ से 5 और 6 आया तो 5 × 5/1 और 5 × 2 = 10, ये तो शांत हो गया तब ये परिमेय है, और दूसरा मैंने आपको उदाहरण दिया था 10/6, तो मैंने बोला था कि सॉरी 6/10 और 6 से भाग दिए थे 10 को, तो 6 × 6 = 4 और फिर 6×6 = 36, फिर 4, फिर 6×6 = 36, तो ये बार बार वही वही आए, बार बार वही वही आए, मतलब क्या है वो परिमेय है। अगला 0.6735267352 क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो बिल्कुल ये देखो आप रिपीट हो रहा है 6735267352 रिपीट हो रहा है, मतलब ये भी क्या है परिमेय है, ये भी क्या है परिमेय, समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन है 0.33333 क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय, मैंने बोला रिपीट होनी चाहिए सेम तो वो क्या होगी, वो परिमेय संख्या होगी, समझ आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन 0.35679821456891 क्या परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी, क्या ये परिमेय होगी क्या परिमेय होगी, तो देखो दोस्तों ये जो चीजें हैं वो कोई रिपीट नहीं हो रही, कोई संख्या देखो कोई रिपीट नहीं हो रही है, मतलब ये क्या होगा, ये होगा अपरिमेय, क्या होगा ये अपरिमेय होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देख लें 0.3452 बताओ ये परिमेय होगा क्या परिमेय, जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए क्या ये परिमेय होगा क्या परिमेय, 0.3452 के परिमेय होगा अपरिमेय होगा, तो भाई शांत हो गया ना, रुक गया ना, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो अपरिमेय है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, भाई रिपीट तो नहीं हो रहा है लेकिन रुक जाता है, मतलब मैंने आपको कई बार बताया कि अगर कोई चीज रुक जाता है तो उसको आपको क्या लेना है परिमेय, समझ में, ये रुका नहीं है, ये चल रहा है आगे चलते रहेगा, ये मतलब ये आत्मा है, ये भटकता ही रहेगा ये, ठीक है, लेकिन ये रुक गया है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ दे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे 0 परिमेय है कि अपरिमेय, 0 परिमेय कि अपरिमेय, मैंने आपको बोला ना 0 P/Q, क्यू जो है नीचे वाला जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर तो हो सकता है ना, तो ये क्या है परिमेय, क्या है ये परिमेय, बात समझ में आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पाई, एक क्वेश्चन 22/7 कई बार TT में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ TT में भी आया हुआ है, बाहर के TT में भी आया, अदर स्टेट के, परिमेय है कि नहीं, परिमेय है कि नहीं, जल्दी बताओ परिमेय है कि नहीं, जल्दी से बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है, क्या है पाई और 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय। देखिए 22/7 की बात करेंगे तो 7 या 21 बचा यहाँ पे, 1 दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाने, समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं बस मैं भाग कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 3 = 0, 7 × 28 = 2 = 0, 7 × 2 = 14 = 6 = 0, 7 × 8 = 56 = 4 = 0, 7 × 5 = 35 = 5 = 0, 7 × 7 = 49 = 1 = 0, 7 × 7 = 3 = 0, 7 × 28 = 2 = 0। अब आप देखना यहाँ से फिर ये जाएगा 3.1428571, ठीक है 7, फिर उसके बाद फिर क्या होगा 1423857, फिर से समझ रहे हो ना, ये चीजें फिर से यहाँ से ये इस तरीके से आती जाएगी, तो ये जो कोई चीज के बाद फिर से आती जाती है
फिर से समान आवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय। क्या बोलते हैं इसको, परिमेय। तो 22/7 क्या है, परिमेय। 22/7 क्या है, परिमेय है। बटे ग्रुप में हो परिमेय होता ही होता है यार, बटे ग्रुप में होता है वो होता ही होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले पाई क्या होगा, क्योंकि हमने 10वीं बोर्ड तक हमने पढ़ रखा है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, तो होनी चाहिए क्या, परिमेय। लेकिन दोस्तों याद कर लो, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 नहीं होता, इसको अप्रॉक्सीमेटली लगभग माना गया है, लगभग माना गया, ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है, इनको ऐसा माना गया है, इस कारण पाई को अपरिमेय बोला गया है। अगर आपके प्रश्न में 22/7 लिख के दे तो आप बोलना परिमेय, पी बटे क्यू के रूप में है इसको बोलना परिमेय। लेकिन अगर ऐसे पाई लिख के दे आप इसको सीधा सीधा बोलना अपरिमेय। कई बार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है पाई को लेकर, वर्गमूल 2 को लेकर, वर्गमूल 2 भी अपरिमेय, पाई भी अपरिमेय। बात समझ में आया ना, पाई की खोज आर्यभट्ट ने किया था, उनकी एक कहानी है, उन्होंने जो है एक डिस्क लिया था, छोटा डिस्क लिया था, बड़ा डिस्क लिया था और बड़ा डिस्क लिया था, और उन्होंने ये देखा कि उनकी परिधि को नापा और उनके व्यास को नापा, उनको जब भाग दिया, चाहे जितना भी बड़ा गोला हो चाहे कितना भी छोटा सॉरी वृत्त हो, कोई बड़ा वृत्त हो चाहे छोटा वृत्त हो, जब उनके व्यास से जब उनके परिधि से व्यास को भाग दिया तो सब में जो है वो एक संख्या समान आती थी सब में, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, पाई नाम दे दिया आर्यभट्ट ने। क्योंकि एक महान गणितज्ञ भी था, उन्होंने वो ऐसी करते रहते थे, अपनी उनमें खोज करते थे, उन्होंने ये सोचा कि बड़ा से बड़ा डिस्क लिया, छोटा छोटा डिस्क लिया और छोटा डिस्क लिया, सबको उन्होंने ये किया कि सबका जो है परिधि से व्यास को भाग दिया सबके, तो सब में सेम ही आता था, और उन्होंने उसको क्या बोला, पाई बोला। तो पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 अप्रॉक्सीमेटली है, एकदम फिक्स नहीं है। तो 22/7 बोलेगा तो परिमेय, पाई बोलेगा तो अपरिमेय। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी होगी, ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है एग्जाम में, वर्गमूल दो दी पावर वर्गमूल दो, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है कि क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय। समझ में आ रहा ना, मैं थोड़ा रफ लिखा हुआ हूँ, शायद समझ में आ जाए आपको कि वर्गमूल दो के पावर वर्गमूल दो और उसके पावर वर्गमूल दो। तो आपको पता होगा किसी के घात के ऊपर कोई घात लगता है तो घात दोनों घात गुना हो जाते हैं, तो वर्गमूल दो, ये वर्गमूल दो, वर्गमूल दो गुना, मतलब घात के ऊपर घात लगे तो दोनों गुना हो जाएंगे, और फाइनली जो है वर्गमूल दो और वर्गमूल दो करते हैं तो ये दो हो जाएगा। ये चीज़ें मैं आगे और पढ़ाऊंगा ना, जब ये चीज़ें जब हम करेंगे आगे, जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जो है ये गुना होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो फिर ये वर्गमूल और ये कट जाते हैं तो आया दो, दो मतलब 2/1, मतलब ये परिमेय रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है संख्याएँ की, कुछ क्वेश्चन शायद कुछ बोलना चाहिए, कुछ संख्याएँ हमने देख लिया, बहुत सारी संख्याएँ देखना बाकी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि एक क्लास में तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको दिख रहा होगा नीचे में, उससे आप संपर्क करिए। फीस मिनिमम फीस है, मिनिमम फीस है, और ये निश्चिंत रहिए कि आपकी जो कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो आपके एग्जाम तक होगी। कभी भी एग्जाम हो, मतलब आपका अप्रैल में एग्जाम हो, मई में एग्जाम हो, जून में एग्जाम हो, जुलाई में एग्जाम हो, जब भी एग्जाम हो तब तक ये वैलिडिटी रहेगी, तब तक आप इसमें देख सकते हैं, टेस्ट भी इसमें मौजूद रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।